हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेबलिन का डुप्लीकेट कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ। और आगे मैं सारी चीज़ें आपको ये प्रोडक्ट का कंपेयर करके बताऊँगा, और ताकि आप कभी भी मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो आपको आसानी होगी पहचानने में कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ले रहे हो डुप्लीकेट ले रहे हो। अगर आप चैनल पर अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इसका कंपैरिजन। तो गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बार, और अभी देख लेते हैं गाइस। पहले तो बात, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये डुप्लीकेट है, तो अभी करते हैं इसका कंपैरिजन और मैं बताता हूँ आपको कि पहचानना कैसा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे लिखा है कि मेबलिन न्यूयॉर्क, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट पे मेंशन है। जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे आपको दिखाई नहीं देगा, ये पहला कंपैरिजन है जो आप आसानी से पहचान सकते हो जब आप प्रोडक्ट लेने जाओ। उसके बाद अगर देखिए आप, जो फिट मी नाम लिखा है डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे लिखा है फिट मी नाम, यहाँ पे भी आपको अंतर दिखेगा। जो टेक्स्ट का साइज़ है, आप इधर भी देखिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे और ओरिजिनल प्रोडक्ट पे दिखे, टेक्स्ट में भी आपको साइज़ में फ़र्क दिखेगा। इवन जो कलर है जो फिट में मैं यूज़ किया गया है, आप उसको कंपेयर उसको देखिए, और ओरिजिनल प्रोडक्ट पे भी जो फिट में जो कलर यूज़ किया गया इसमें देखिए, इधर भी अंतर है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एम ई है मी लिखा है, और ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे है, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे जो एम ई लिखा है, ये यहाँ पे देखिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे जो एम ई लिखा है वो जॉइंट है, आप जैसे देख पा रहे होगे। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट पे देखे तो जो एम ई है, एम और ई है, इसमें थोड़ा अंतर है। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट के पीछे से भी एक बार देख लेते हैं, तो इधर पे आपको अंतर मिलेगा, डिफरेंट ज़रूर मिलेगा देखने में। जैसे पहले कि मेबलिन न्यूयॉर्क जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे लिखा है, बट आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे नहीं देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। उसके बाद ओरिजिनल प्रोडक्ट पे यहाँ पे भी मेंशन है कि मेबलिन LLC न्यूयॉर्क, और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट पे देखने को मिलेगा, बट डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। MRP की बात करें तो MRP दोनों की सेम है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल प्रोडक्ट की। बट तो दोस्तों, आइए आगे हम दोनों प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं अंदर से, डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैसा और ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसा है। तो पहले हम अभी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको ओपन करके देख लेते हैं, ये रहा, और उसके बाद डुप्लीकेट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ये रहा। तो देखिए, आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट अंदर से ऐसे ही देखने को मिलेगा, बट ओरिजिनल प्रोडक्ट देखिए, आपको एक पन्नी भी दी जाएगी और पन्नी में ये प्रोडक्ट आने वाला है। मैं साइड में रख देता हूँ तो आप देख सकते हो दोनों की फिनिशिंग। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है दोस्तों, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी आप देखिए जो फिनिशिंग है ओरिजिनल प्रोडक्ट की वो कैसी है, और आप यहाँ पे देखिए जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग है वो कैसी है, आप देख सकते हो। पीछे से बात करें, पीछे से प्रोडक्ट देख लेते हैं वहाँ पे कैसा है, तो इधर भी देखिए जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग है वो कैसी है दोस्तों, और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उसकी फिनिशिंग देखिए ये कैसे है। तो दोस्तों, हम अभी ये दोनों प्रोडक्ट ओपन करके देखते हैं। पहले हम ओरिजिनल प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं, ये रहा, और अभी हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेंगे अंदर से, ये रहा। तो पहले अगर बात करें इसके जो जो पाउडर पफ है वो देख लेते एक बार, इसकी क्वालिटी कैसी है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उसके पाउडर पफ की बात करते, तो ये देखिए, यहाँ से भी आपको समझ आएगा प्रोडक्ट का, जो अगर आप लेने जाओ तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो कि यार ये अगर ये है तो फिर ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, अगर ये ऐसे पाउडर पफ है तो आप इससे समझ सकते हो कि ओरिजिनल है। उसके बाद अगर कॉम्पैक्ट पाउडर के जो कलर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा डिफरेंट, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उसका कॉम्पैक्ट पाउडर का जो कलर वो देखिए, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके कॉम्पैक्ट पाउडर का कलर देखिए। तो इससे भी आपको आसानी होगी समझने में कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।